भाई के साथ वर्कआउट करने गई रिया। कभी सुशांत थे एक्ट्रेस के जिम पार्टनर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही रिया चक्रवर्ती का नाम खबरों में छाया रहा। हालांकि अब रिया अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई हैं। आए दिन वो पेपराजी के सामने स्पॉट होती हैं। अब वो पब्लिक इवेंट्स में भी हिस्सा लेने लगी हैं। वहीं आज ही रिया को जिम के बाहर स्पॉट किया गया, वो भी अकेले नहीं बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के साथ, जिनका नाम भी सुशांत मामले में खूब चर्चा में रहा था। पिंक टॉप और ब्लैक शॉर्ट्स में रिया वर्कआउट कर जिम से भाई के साथ ही निकली थी। दोनों साथ में जिम में नजर आए, इससे साफ जाहिर है कि बहन भाई साथ में ही वर्कआउट करते हैं। इस दौरान उन्होंने पेपराजी को तो खूब पोज दिए ही, लेकिन एक वक्त था जब रिया के जिम पार्टनर उनके भाई नहीं बल्कि एक्टर और उनके एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत होते थे। दोनों साथ में जिम जाते, साथ में वर्कआउट करते और साथ में ही लौटते थे। तभी से दोनों की डेटिंग की खबरें भी सबके सामने आने लगी थीं। सुशांत अपने फिटनेस के साथ साथ रिया को भी वर्कआउट में मदद किया करते थे। बता दें कि कुछ समय पहले ही दिवंगत सुशांत के जन्मदिन के मौके पर रिया चक्रवर्ती ने भी एक अनसीन वीडियो शेयर किया था। ये वीडियो जिम का था जहां दोनों साथ में वर्कआउट करने जाते थे। वीडियो के साथ रिया ने केवल इतना लिखा था, मिस यू सो मच, यानी कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आपको बता दें कि रिया और सुशांत 1.5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों साथ में कई बार घूमने भी जाते थे, लेकिन खबरों के मुताबिक सुशांत के निधन से कुछ समय पहले से ही रिया और सुशांत के रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों के बीच झगड़े की खबरें भी सामने आती थी। यही वजह थी कि सुशांत धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे, साथ ही वो अपने करियर ग्राफ को नीचे जाते देख कर भी डिप्रेस्ड हो गए थे। एक्टर सुशांत के निधन के बाद से रिया का नाम विवादों के चलते सुर्खियों में रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनको लेकर क्या नहीं कहा गया और दिखाया गया, ये किसी से भी छिपा नहीं है। सुशांत के निधन के बाद रिया लगातार खबरों में छाई रही थी। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने और उनके लिए ड्रग्स खरीदने तक के आरोप लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों साथ में ड्रग्स लेते थे। यहां तक कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, जिसमें कहा गया था कि रिया ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया है और उनके खाते से पैसे निकाले हैं। इसके बाद ED और CBI ने अपनी जांच भी शुरू कर दी थी। इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को गिरफ्तार भी किया गया था। तब रिया को 1 महीने तक जेल में ही रहना पड़ा था, लेकिन फिर उन्हें जमानत मिल गई थी। बताते चलें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को अपने मुंबई स्थित घर में मृत पाए गए थे। इस केस की जांच अभी भी CBI कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद NCB ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के साथ कई ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया था। इस मामले में NCB दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह से भी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत के निधन को लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके निधन के पीछे का सच सामने नहीं आया है। आए दिन फैंस उनकी मौत का सच सामने लाने की मांग करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।